हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से माता सावित्री किचन में। आज मैं आपको पोहा बनाना बता रही हूँ। पोहा मैं कैसे बनाती हूँ, पोहा के लिए देखिए, ये मैंने चिवड़ा ले लिया है, ये प्याज लंबे पतले कटे हुए हैं, हरी मिर्च कटी हुई है, टमाटर मैंने एक ले लिया है, मटर लिया है और ये मूँगफली ली है। अब इसको बनाने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, मैंने गैस पर पहले ही कढ़ाई रख दी थी। फ्रेंड्स, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं बिल्कुल हल्का सा 1 टीस्पून के से भी कम ऑयल डाल रही हूँ ताकि मैं अपनी मूंगफलियाँ पहले रोस्ट कर लूँ। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, मूंगफली में डाल रही हूँ। इसको पहले रोस्ट कर लेंगे हम, आप बाद में भी कर सकते हैं लेकिन मैं ये पहले कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली हमारा रोस्ट हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं हम। उसी कढ़ाई में मैं 2-3 टेबल स्पून डाल रही हूँ तेल। इसको हम गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ 1 टीस्पून। जब जीरा तड़कने लगे तो मैं ये प्याज और हरी मिर्च जो मैंने काट रखी है उसे डालूंगी। गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मैं इसी स्टेज में डाल दूंगी ये टमाटर जो मैंने चॉप करके रखे हैं। ये रफली चॉप है, और मैं इसमें तुरंत ही नमक ऐड करूंगी। देखिए, मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है। और फ्रेंड्स, इसी टाइम मैं ये हरे मटर जो मैंने रखे हैं तो अच्छे से धुल के ये डाल दूंगी। ये मैंने 1 कप लिया है ताकि साथ में फ्राई हो जाए, टमाटर भी गल जाएंगे और मटर भी फ्राई हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मटर भी मेरे गल चुके हैं, टमाटर भी गल चुका है। अब इस टाइम मैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, और मेरे पास ये मसाला है, ये मिक्स मसाला मैंने लिया है, ये 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। हल्का सा फ्राई करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले भी मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने ये चूड़ा लिया था जो, उसको धुल लिया है, अब इसको ऐड करूँगी इसमें। ये 1 कप के करीब मैंने चूड़ा लिया है। फ्रेंड्स, जब आपको ऐड करना हो चूड़ा तभी धुलिएगा, पहले से धुल के रखिएगा तो बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाएगा, हलवा बन जाएगा उसका। ये देखिए, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये बिल्कुल कलरफुल। गैस की फ्लेम लो कर दीजिएगा नहीं तो नीचे से जल जाएगा। ये अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। मैं इसमें ये मूंगफली जो मैंने रखा है इसको भी डाल देती हूँ मैं। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, पोहा हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैगी मसाला डाल रही हूँ ऊपर से, ये ऑप्शनल है, आप ऐड कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा टेस्ट निखर के आता है। उसके बाद इस पे धनिया पत्ता डाल देती हूँ मैं, और ये हमारा पोहा बनके तैयार हो गया। अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पोहा बनके तैयार हो गया है, उसको धनिया पत्ता से मैंने गार्निश भी कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसके ये जो भजिया नमकीन होती है वो भी आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। वैसे ही ये बहुत टेस्टी लग रहा है और हेल्दी भी है खाने को, और हल्का नाश्ता है जो आप खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, और पेट भी भर जाएगा इससे, काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, इसे बना के घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक का बटन दबाइएगा। अगर कोई भी सजेशन है आपका फ्रेंड्स, अपने मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में जो
बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।